एंटरेंस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी और हर अपडेट समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट के संचालन की बात करें तो नीट का संचालन होता है NTA द्वारा। NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्ट एजेंसी। MBBS, BDS, BAMS और BHMS इन कॉलेजों में एडमिशन नीट के थ्रू मिलता है। नीट एग्ज़ाम के लिए हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए होती है 17 साल से 25 ईयर और OBC, SC, ST कैटेगरी के लिए होती है 17 साल से 30 साल। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। नीट का एग्ज़ाम आप 12th के एग्ज़ाम के साथ भी दे सकते हैं। 12th परसेंटेज क्राइटेरिया जनरल 50% मार्क्स, OBC 45% मार्क्स, SC ST 40% मार्क्स। एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर महीने में आते हैं। एग्ज़ाम MCQ टाइप होती है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है और एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में होता है। नीट की एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है और इसका जो मार्किंग स्कैम है वो कुछ इस तरह से होता है कि यदि आपका एक क्वेश्चन राइट हुआ तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो +4 में से एक माइनस हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अमाउंट की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये होता है 1,400 रुपये और ST, SC और PH कैटेगरी के लिए 750 रुपये। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के और मार्क्स होते हैं 180। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 45 और इनके भी मार्क्स होते हैं 180। जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं 45 और मार्क्स इनके भी होते हैं 180। बॉटनी के 45 और मार्क्स इनके भी होते हैं 180। टोटल क्वेश्चन आते हैं 180 और टोटल मार्क्स 720।